नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। बात करते हैं विधानसभा चुनाव के बारे में। विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया है। कुछ सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है तो कुछ पर कांग्रेस ने, इसके अलावा अन्य पार्टियों ने भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। आज चुनावी नगरी में बात करेंगे श्री नाथ की नगरी नाथद्वारा के बारे में। सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। नाथद्वारा से कांग्रेस ने दिग्गज नेता सीपी जोशी और बीजेपी ने कुंवर विश्वराज सिंह को उतारा है। कुंवर विश्वराज सिंह को टिकट दिए जाने की सबसे ज्यादा पैर भी दिया कुमारी ने की थी। बड़ी बात तो ये है कि इन्हीं के पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ खुद बीजेपी से रिकॉर्ड मतों से जीत करके लोकसभा सांसद बने थे। अब 3 दशक बाद उनके पुत्र विश्वराज सिंह की बीजेपी में एंट्री हुई है। इस खबर से पूरे मेवाड़ में चर्चा है। उनके परिवार से सिर्फ पिता ही राजनीति से जुड़े हुए थे, वे सांसद बने। दरअसल महेंद्र सिंह ने मेवाड़ में वर्ष 1989 में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ा था और करीबन 1,90,000 वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और चुनाव में खड़े हुए, बाद में उनको हार का सामना करना पड़ा। अब विश्वराज सिंह मेवाड़ ने पार्टी ज्वाइन की है तो पूरी संभावना है कि वो मेवाड़ में अपने पिता की तरह ही जीत का इतिहास दोहरा सकते हैं। राजनीतिक जीवन नहीं होने पर भी विश्वराज सिंह मेवाड़ को सबसे बड़ा फायदा मेवाड़ राजघराने से जुड़ा होने की वजह से मिल सकता है, क्योंकि आज भी लोगों की राजघराने के प्रति सहानुभूति और सम्मान है। वहीं दूसरा ये कि राजपूत बाहुल्य सीट भी है, जिससे विश्वराज सिंह के मेवाड़ में चुनाव लड़ने का फायदा हो सकता है। यहाँ पर कुल वोटर 2,34,000 है। सबसे ज्यादा करीब 80,000 वोटर सिर्फ राजपूत समाज के हैं, इसके अलावा आदिवासी और फिर ब्राह्मण समाज है। अब दोनों के बीच टक्कर की बात है तो सीपी जोशी यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके हैं, लंबे समय से इसी सीट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें इस सीट का सबसे ज्यादा अनुभव है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता है। अब बात करें कांग्रेस से सीपी जोशी की राजनीतिक जीवन की, तो इतना लंबा राजनीतिक जीवन है कि उसके बारे में कुछ भी बताना छोटा होगा। वर्ष 1980 से लेकर अब तक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी यहां से 5 बार विधायक रह चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सीपी जोशी अभी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 1973 में उन्होंने मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के लिए छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होकर के अपना जीवन शुरू किया था राजनीति में। 1998 में वे पंचायती राज, शिक्षा, ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, नीति योजना और चुनाव प्रौद्योगिकी जैसे विभागों को संभालने वाले राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2003 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। 2009 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज कैबिनेट मंत्री बने और मई 2009 में उन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायती राज के केंद्रीय मंत्रालय के प्रमुख के रूप में भारत की संसद में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया। 2011 में वे सड़क परिवहन और राजमार्ग कैबिनेट मंत्री बने। 2012 में वे रेलवे अतिरिक्त प्रभार संभाला और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने। 2014 में उन्होंने जयपुर ग्रामीण से लोकसभा चुनाव लड़ा और यहां पर वे भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से हारे थे। 2018 में राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए। फिर 16 जनवरी 2019 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किया और सबसे बड़ी उनकी उपलब्धियों में आता है, उन्होंने भीलवाड़ा जल आपूर्ति योजना शुरू की। उन्होंने 101 स्व सहायता समूह योजनाएं शुरू की ताकि भीलवाड़ा के युवा प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सके। चुनावी नगरी के एनालिसिस से जीत का रेशो देखे तो ये 50-50% जाता है, क्योंकि राजपूतों का बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से कुंवर विश्वराज सिंह को वोट मिल सकते हैं। नाथद्वारा में जन्मे और 5 बार विधायक रह चुके सीपी जोशी का राजनीतिक जीवन भी उनको जीत दिला सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।